अभी हमें आप तो सब क्यों बात बढ़ा रहे हो, ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार, जब 140 करोड़ नाराज है, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। बाद बाकी तो आपको पता है, अरविंद को भी नोटिस भेजा, 5-6 एमपी को, ये लोग कहते हैं हमारा फोन भी हैकिंग कर लिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, सबको नोटिस भेजा, सबको लिए ऐसा ऐसा होता है। एक ऐसा राज है ना जो हम कहने भी नहीं सकते, कहने से भी शर्म आता है कि हमारा बात कोई ना कोई वर्ल्ड का लोगों ने देखेंगे, क्या सोचेगा हमारा देश के लिए। हम देश को कभी छोटा नहीं कर सकता है, इट्स अ मदरलैंड। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला, ईडी वीडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया, नो ईडी नो आईटी नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है ईडी। अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी अब बुलाया जा रहा, तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। केजरीवाल जी वर्तमान केंद्र सरकार के विरोध की सरकार और केंद्र सरकार के विरोधियों की सरकार की क्या आज के दिन में राज्यों की स्थिति है, किसी से कुछ छुपा हुआ है क्या, ये बोलने का क्या, आम जन समझ रहा है देख रहा है कि देश की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। तो ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद आप पूछे कि आपको सम्मान हुआ, आपको बुलाया गया, क्या कीजिएगा, फिर थोड़ी देर किसी और को मंत्री को पूछिएगा, ये सवाल बहुत बासी हो जाएगा। ये सभी जो उनके विरोधी है उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी अभी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है, अपने देखा होगा बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं, शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहां के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है? लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो आप सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिचंद्र बन जाएगा सत्यवादी, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
साहब ईडी समन आया है केजरीवाल को, कैसे देखते हैं? कौन सी नई बात है ना? ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समन्स नहीं आई हैं? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है, कोई नई बात नहीं है ना ये। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब पहले लीडर नहीं हैं जो इस चीज़ का सामना करेंगे कि और भी लीडर हैं जिनको बुलाया गया है। उनके जो डिप्टी सीएम साहब थे वो आज भी कस्टडी में हैं। हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि शाम को सवालों का जवाब देने के बाद केजरीवाल साहब घर वापस आएंगे। आश्चर्य नहीं है ये घबराहट बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी की सामने दिख रही है, जिस तरीके से आने वाले राज्य चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है, 2024 में सरकार बदलने वाली है, इंडिया अलायंस जीतकर आने वाला है, उस बौखलाहट में ईडी सीबीआई आईटी सबका इस्तेमाल कर इस तरीके के सर्वेलेंस का इस्तेमाल कर हमें चुप कराने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई सुनी मनीष सिसोदिया जी की, जस्टिस खन्ना का कहना था कि ये 2 महीने ट्रायल कोर्ट में भी नहीं रहेगा, पर खैर किसी कारणवश बिल डिनाई किया गया। उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जी के पास इंक्वायरी आती है, तो दिखा रहा है कि सरकार घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी की हार बिल्कुल तय है। टारगेटिंग नाउ अरविंद केजरीवाल एंड एज द इलेक्शंस गेट नियर, द लोकसभा इलेक्शंस गेट नियर, दे विल बी टारगेटिंग मोर पीपल। I am afraid they will at some stage target Raghav Chadha also. Then they have targeted Shibu Soren through the Lokpal. They are targeting Hemant. They have targeted all the about 30-40 officers in Chhattisgarh of the Congress Party. You know what they have done in Maharashtra. And when the Prime Minister publicly said that the suspects will be dealt with, those very suspects are now ministers. They broke up the NCP. You know how they bought over, or they persuaded by means that I don't know. Perhaps everybody, perhaps others know, as to how Eknath Shinde became chief minister. How they are targeting Madhya Pradesh, our leaders in Madhya Pradesh. So who is how they are targeting Telangana? You know that they are targeting Telangana. In Andhra, Naidu is in jail. So where is this going to? Where is this going to? In Bengal, in West Bengal, they've been targeting the ministers there. Abhishek Banerjee has been troubled. Where is this leading to? And why are courts not waking up to the utter blatant misuse of PMLA?